हेलो दोस्तों, हॉट्स जर्नल एंट्रीज के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जर्नल एंट्रीज अगर आपको नहीं आते तो आप अकाउंट्स के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, अकाउंट्स आप छोड़ ही दीजिए। जर्नल इतने इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं सेकंड वीडियो में आगे की एंट्रीज। मैंने 30 एंट्रीज आपको बता दी थी, 31 से हम स्टार्ट करते हैं। 31 एंट्री है हमारी, परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघु, पेड ₹1200 फॉर कैरेज। रघु से हमने 1 लाख के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं, लेकिन जिन लोगों ने सामान उठा के रखा है उनको तो हमें कैश में ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू रघु टू कैश। आप इसकी दो सेपरेट एंट्रीज भी कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्रीज भी कर सकते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 1 लाख और ये क्रेडिट है इसलिए हमने रघु का नेम लिखा है, और कैरेज जो मजदूर सामान उठा के रखते हैं उन्हें तो कैश ही देना पड़ेगा, बेचारे मजदूर वो तो डेली बेसिस पे अर्न करते हैं और खाते हैं, तो इसलिए उनको हमें कैश ही देने पड़ते हैं। और क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कौन बेयर कर रहा है, तो हम ही बेयर कर रहे हैं। तो 1200 तो ये हो गई हमारी 31 एंट्री। अब हम चलते हैं 32 की तरफ। बच्चों, ये है हमारी नेक्स्ट एंट्री। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू मोहन एट 20% प्रॉफिट। हम हमेशा गुड्स बेचते हैं तो प्रॉफिट पे सेल करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन ऑन सेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट जो हमें कैलकुलेट करना है वो सेल्स प्राइस पे कैलकुलेट करना है। हमेशा कॉस्ट पे होता है बट यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और इस बार जो हमने कार्टेज पे करे 200 वो हमें अपने कस्टमर से लेने हैं। मतलब कस्टमर कह रहा है कि रिक्शे वाले को आप दे दो और जो मेरी बिलिंग करोगे उस बिलिंग में ऐड कर देना, मैं आपको दे दूंगा। पहले इसकी वर्किंग कर लेते हैं। 40,000 गुड्स की कॉस्ट है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो सेल्स के ऊपर 20% है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि आप हमेशा प्रॉफिट को जो परसेंटेज गिवन होती है उसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 1/5। अगर प्रॉफिट सेल्स का 1/5 है तो कॉस्ट का 1/4 होगा, एक रिमूव कर दीजिए। ये बहुत आसान तरीका, बहुत सिंपल तरीका है। अगर प्रॉफिट सेल्स का जितना फ्रैक्शन है एक कम कर दीजिए डिनोमिनेटर में से, तो अगर 1/5 है सेल्स का तो कॉस्ट का 1/4 होना चाहिए। तो 20% होता है 1/5, सेल्स का अगर 1/5 है तो कॉस्ट का 1/4 होना चाहिए। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम कि अगर कॉस्ट का 1/4 है और सेल्स पे निकालना है तो हम एक बढ़ा देते हैं डिनोमिनेटर में। तो 1/5 है उसका हम 1/4 कर देंगे, तो 1/4 निकालेंगे तो 10,000 आ जाएगा। देखिए बच्चों, माइंड में ही हो गई हमारा, ठीक है। 1/4 हम इसमें ऐड करेंगे तो 50,000 के गुड्स हमने अपने फ्रेंड मोहन को बेचने की कोशिश की है, लेकिन ये सिर्फ कोशिश थी। मोहन को पता है कि हम उसको महंगा बेच रहे हैं, तो मोहन ने हमसे डिस्काउंट मांगा 10%। जब हम उसे 10% डिस्काउंट देंगे तो 5,000 और लेस हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट था और ये डिस्काउंट, टीडी लिख देता हूं मैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो 45,000 के गुड्स हमने उसको सेल करे हैं। क्वेश्चन में नेम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और ₹200 कार्टेज भी हमने अपनी जेब से पे करे हैं, बट वो हमारे एक्सपेंस नहीं है, वो हमें कस्टमर से लेने हैं। तो एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिटेड टू सेल्स टू कैश, सेल किया हमने उसको 45,000 की, ₹200, तो 45,200 हमें मोहन से लेने हैं। बच्चों ये ध्यान रखो, हमने जो कैश पे करा है वो हम उसको कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखेंगे, कार्टेज हमारा एक्सपेंस नहीं है। अगर कार्टेज हमारा एक्सपेंस होता तो हम जर्नल में लिखते कार्टेज अकाउंट डेबिट, बट कार्टेज हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमें तो मोहन से लेने हैं बाद में। तो आप ऐसे समझो कि आप वो पैसे रिक्शे वाले को नहीं, आप मोहन को दे रहे हो।
तो मोहन डेबिटेड टू सेल्स टू कैश, बाद में जब हम पैसे लेंगे मोहन से अपनी सेल के पैसे तो उसी टाइम पे हम 200 भी ले लेंगे, इसलिए हमने मोहन को 45,200 से डेबिट कराया बच्चों। तो अब चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों रिसीव्ड अ वीपीपी वैल्यू पेड पोस्ट फ्रॉम राम फॉर ₹2,000। अब ये वीपीपी है क्या बच्चों? ये एक बुक में मैंने ये जर्नल एंट्री देखी थी। एक्चुअली था क्या कि पास्ट में बहुत पुराने जमाने में जब आप पोस्ट से सामान मंगाते थे और कैश ऑन डिलीवरी होता था, उस टाइम पे कैश ऑन डिलीवरी को वीपीपी कहते थे। तो आप समझ जाइए कैश ऑन डिलीवरी COD को उस समय वीपीपी कहते थे। पोस्ट ऑफिस के थ्रू सामान मंगाया जाता था, जब पार्सल आपके घर पे आता था तब आप पेमेंट करते थे। तो बिजनेस में अगर वीपीपी की बात हो रही है तो इसका मतलब हमने गुड्स मंगाए हैं, ठीक है, पेड लिखा है ना। रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम राम फॉर ₹2,000, राम से हमने वीपीपी मंगाया है, कैश ऑन डिलीवरी मंगाया और 2000 हमने पे करा है। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने राम से वाया अमेज़न या वाया फ्लिपकार्ट सामान मंगाया है। तो आप इसकी एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑन डिलीवरी है, इसलिए कैश पेमेंट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कि गुड्स, बट अगर बिजनेस के बारे में आप पढ़ रहे हो और कुछ लिखा नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो गुड्स ही होंगे ऑब्वियसली। तो अब चलते हैं हम 34 की तरफ। बच्चों ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि आप एक अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज दे करके नई कार लेना चाहते हो और आपकी कार सबने बताया हुआ है, मैकेनिक ने बताया हुआ है, सारी दुनिया ने बताया हुआ है कि आपकी जो पुरानी कार है बिल्कुल फिट है और वो 80,000 में बड़े आराम से सेल हो जाएगी। लेकिन अब आपको जल्दी है, नई कार लेनी है और एक्सचेंज ऑफर में लेनी है, तो आपके पास टाइम नहीं है कि वेट करें कि कोई कस्टमर आए और जो 80,000 दे दे, क्योंकि OLX पे हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो और तुरंत कस्टमर मिल गया। तो आपकी 80,000 की कार है बट कोई खरीदने वाला है नहीं, आपको पता है कि उसकी वैल्यू 80,000 है, इजीली 80,000 मिल सकते हैं, पर आप वेट नहीं कर सकते हो, आप चले गए मारुति के पास या कहीं और, तो वहां पर आपकी कार की वैल्यू लगाई गई है 50,000। आपकी कार 80,000 की, आपकी कार की वैल्यू लगाई है 50,000, 30,000 का लॉस हो रहा है। लेकिन क्या करें, कब तक वेट करें कस्टमर का, आज हमें नई कार चाहिए। तो हमने एक नई कार पसंद की है 2,40,000 की, इतनी सस्ती कार आती नहीं, मान लेते हैं नैनो या कोई और कार है सस्ती वाली। तो 2,40,000 की एक नई कार हमें परचेज करनी है और हमारी जो 80,000 वाली कार है उसके लगा रहे हैं वो लोग सिर्फ 50,000। तो लॉस तो हो रहा है 30,000 का, बट क्या करें, कैश भी नहीं है इतना, तो हम एक्सचेंज पर्पज में एक्सचेंज ऑफर में उसको दे के आ गए। ये अगर स्टोरी समझ आ गई है तो बिल्कुल सेम यही स्टोरी है। यहां पे बिजनेसमैन ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स या जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मशीन टूल्स लिमिटेड, उसको अपनी मशीन पुरानी जो 80,000 की इजिली बिक सकती है लेकिन 50,000 की एक्सेप्ट की है उस कंपनी ने और बदले में हमें दिए 2,40,000 की मशीन और रिमेनिंग अमाउंट भी हमने कैश पे नहीं करा है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है। तो जनरल एंट्री देखिए बच्चों क्या बनेगी। आपके पास एक न्यू मशीन आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, न्यू वर्ड नहीं लिखना है। कुछ बुक्स में न्यू मशीनरी लिखा हुआ है, ये गलत होता है तरीका, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एन आपको समझाने के लिए कि ये न्यू मशीन है 2,40,000 की, डेबिट व्हाट कम्स इन, साथ में आपको लॉस भी हुआ है 30,000 का क्योंकि आपकी 80,000 की मशीन को उन्होंने लगाया है सिर्फ 50,000 में, तो 30,000 का आपका लॉस हुआ है। तो वो आप लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 30,000। आपकी चली गई मशीन क्रेडिट व्हाट गोज आउट में आता है, तो मशीनरी ये मैं ब्रैकेट में ओ लिख रहा हूं ओल्ड, बट आपको वहां पे नहीं लिखना है, टू मशीनरी आपकी 80,000 की मशीन चली गई है और रिमेनिंग अमाउंट आपको देना है HMT को, मैंने यहां पे HMT लिखा है क्वेश्चन में, मशीन टूल्स लिमिटेड लिखा हुआ है, तो HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, मैंने नाम इसलिए चेंज करा है कि आपको समझ में आ जाए। अब रिमेनिंग अमाउंट जो बनेगा 1,90,000
तो 190,000 आपको देने हैं एचएमटी को, वो आप बाद में देंगे, इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल द लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द गिवर। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट एंट्री। बच्चों ये जो 35 एंट्री है, ऐसी एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें जिसके बिहाफ पे वो पेमेंट कर रहा है हमें उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ राम पेडस ऑन बिहाफ ऑफ श्याम ₹1,000, श्याम के बिहाफ पे रामू, रामू उसका सर्वेंट है, हमें सर्वेंट का नाम नहीं लिखना है, ठीक है, वो उसका एम्प्लॉय है, हमें एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखना, हमें तो पैसे चाहिए थे श्याम से। तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। चलिए बच्चों नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलो। बच्चों 36 एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने ए से 30,000 के गुड्स परचेज किए, प्रॉफिट ऐड करके हमने 40,000 के बी को सेल किए, बी ने उसमें से 4,000 के गुड्स वापस किए, हमने जिस रेट पे बी को सेल किए थे उसी रेट पर उसने 4,000 के गुड्स हमें वापस कर दिए हैं, सारे नहीं वापस करे, सिर्फ 4,000 के गुड्स वापस करे हैं। तो ये तो वो रेट है जो हमने प्रॉफिट लगा के बी को सेल किया था, बट ये हमने 4,000 का बी ए से नहीं परचेज किया था, ये हमने कम में परचेज किया रहा होगा, इसलिए ये जो 4,000 के गुड्स है ये कितने के रहे होंगे जो हमने ए से परचेज किए थे, उस रेट पे हम ए को वापस करेंगे। तो देखो बच्चों फ्रैक्शन से ही पता चल रहा है, हमने इसमें 30,000 में 1/3 ऐड किया हुआ है तो 40,000 हो गया है, यानी 40,000 का 1/4 निकाल लें तो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर 30 से 40 10,000 का प्रॉफिट है, वो जो 10,000 का प्रॉफिट है वो 40,000 का 1/4 है, 40,000 का 1/4 10,000 प्रॉफिट, तो इस 4,000 का 1/4 1,000 प्रॉफिट, यानी कि हमने खरीदा था 3,000 का ए से। तो हमें लास्ट वाली एंट्री करनी है, तो एंट्री हो जाएगी ए डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। बाकी एंट्रीज में नहीं कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि सारी एंट्रीज करो तो ऊपर की तीन एंट्री आप इजीली कर सकते हो। पहली एंट्री होगी परचेज टू ए 30,000, सेकेंड एंट्री होगी बी डेबिटेड टू सेल्स 40,000, थर्ड एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी 4,000, और फोर्थ एंट्री होगी हमारी ए डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। अकाउंट 3,000, जितने में हमने ए से परचेज किया था उस रेट में हम ए को वापस करेंगे। तो ये खास बात थी इस क्वेश्चन की। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। बच्चों नेक्स्ट एंट्री है एन ओल्ड मशीन वॉज रिपेयर्ड फॉर 1,000। ये कोई परचेज की हुई मशीन नहीं है, ये पुरानी मशीन हमारे पास रखी हुई है। अगर हम मशीन परचेज करते हैं तो चाहे वो न्यू है या ओल्ड, उस पर किया हुआ सारे एक्सपेंस हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं, लेकिन हमारी रखी हुई मशीन में अगर कोई रिपेयर होगा तो हम उसको रिपेयर ही लिखेंगे। तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो बच्चों 38th एंट्री आपने शायद करी होगी, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। पेड लैंडलॉर्ड ₹1,500 फॉर रेंट, वन थर्ड ऑफ द प्रीमिसेस इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन रेजिडेंस। कहानी कुछ इस तरीके से है, ये मैंने बिल्डिंग बनाई है 3 फ्लोर की, ठीक है, 2 फ्लोर वो यूज कर रहा है अपने ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, और टॉप फ्लोर 3rd फ्लोर जो है उसमें खुद रहता है वो रेजिडेंस के लिए। पूरी बिल्डिंग रेंट पे है, मकान मालिक को 1500 देके आया है। अमाउंट इतना छोटा देख रहे हो, हैरान हो रहे हो कि इतना छोटा अमाउंट। बच्चों मैंने ये ऐसे ही अमाउंट लिख दिया, रियल लाइफ में तो आपको पता है कितना किराया होता है। तो 1/3 टॉप फ्लोर है वो उसका खुद का रेजिडेंस है किराए पे। अब मकान मालिक को जब वो देने गया है तो पूरे ऑफिस के कैश ₹1,500 पकड़ा के आ गया है उसको, जिसमें से 500 उसका पर्सनल मैटर है। तो ₹500 जो उसने पर्सनल रेजिडेंस के पे कर दिए हैं वो ऑफिस का कैश था, तो इसलिए उसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अगर चेक से पे करेगा तो बैंक लिखेंगे। 500 ड्रॉइंग्स हो गया और 1,000 तो रेंट उसे पे करना ही था। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश जो है वो हमारी बिजनेस में एंट्री होती ही है, बट 500 उसने पर्सनल यूज के लिए पे करे हैं तो वो ऑफिस का कैश यूज हो गया पर्सनल मैटर में, इसलिए वो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट आएगा। बच्चों
नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड द एंटायर गुड्स फॉर रुपीज 40,000। हमने सारे के सारे गुड्स 40,000 में सेल कर दिए हैं। इसका मतलब ये कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन हमने नहीं की है। जितने हमने गुड्स परचेज किए थे 10,000 के, वो हमने सारे के सारे 40,000 के सेल कर दिए हैं। अगर हम ऐसा कर चुके हैं तो हमने जो जीएसटी कलेक्ट किया था IGST, वो हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब पे करा था तो सिर्फ 10,000 पे करा था, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट था, लेकिन हमने IGST 40,000 पे कलेक्ट करा है, जो कि ज्यादा अमाउंट है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ज्यादा जीएसटी आ गया है, वो हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जीएसटी की डिपॉजिट की एंट्री भी करनी है। तो अब पहले हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST डेबिटेड टू कैश। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट IGST। अब आप देख रहे हैं आपने कलेक्ट किया है 4,000 जबकि आपने पे करा था 1,000, 3,000 आपके पास ज्यादा आ चुका है। आपने कलेक्ट किया है 4,000 और आपने खुद पे किया था 1,000, 3,000 आपके पास ज्यादा जीएसटी है, जो कि गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट की अमानत है, आप अपने पास उसको नहीं रख सकते, तो आपको वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री होगी बच्चों ये एंट्री होगी सेट ऑफ की। आपने 4,000 IGST कलेक्ट किया था, जिसमें से 1,000 तो आपने भी पे किया था, तो नेट नेट 3,000 आपके पास आ चुका है, वो आपके पैसे नहीं है, वो गवर्नमेंट के हैं, तो आपने डिपॉजिट करा दिए बैंक गवर्नमेंट अकाउंट में, तो आपका बैंक डिक्रीज हो गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट आपसे कैश में डील नहीं करती है, तो आपको चेक से या बैंक से ट्रांसफर करने होंगे, तो आपका बैंक डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी सेट ऑफ की एंट्री बच्चों, ये ध्यान रखना ये सेट ऑफ की एंट्री है। नॉर्मली बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और मार्क्स चले जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। बच्चों ध्यान रखना है कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस बिजनेस में बहुत होते हैं, बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप उन छोटे छोटे एक्सपेंसेस के नाम लिख के अकाउंट बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो बहुत नॉमिनल बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए आप मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट बना सकते हैं। तो रिफ्रेशमेंट पे किया आपने कस्टमर के लिए, तो आप एंट्री कर सकते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंस भी, मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। बच्चों आपने जब अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें लिखा था अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब ये जनरल एंट्री आ गई इवेंट की। बच्चों 1 अप्रैल को जब आप कोई एंट्री करते हो लास्ट ईयर के बचे हुए सामान की, तो हम उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। हमारे पास लास्ट ईयर का बचा हुआ है कैश, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर्स और क्रेडिटर्स एंड लोन, कैपिटल इसमें हिडन है, हम कैपिटल खुद फाइंड करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री, जब हम 1 अप्रैल को लास्ट ईयर के बचे हुए सामान की जनरल एंट्री करते हैं, इसको हम कहते हैं इवेंट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, सारी एसेट्स बिजनेस में एक तरीके से इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, टू क्रेडिटर्स, टू लोन, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आ जाएगा कैपिटल में। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर अमाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो ये अंडरस्टूड है कि बिना कैपिटल का बिजनेस तो होता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें गिवन थी, कैपिटल हिडन थी, तो आप समझ जाओ कि इधर का टोटल और इधर का टोटल इक्वल आना चाहिए, और कैपिटल गायब कर रखी है तो रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल में आ जाएगा। तो 2,000, 8,000, 10,000,
20,000, तो ये हो गया 40,000, और क्रेडिटर्स है हमारे 7,000, 13,000, तो 20,000 शॉर्ट पड़ रहा है। जो 20,000 शॉर्ट पड़ रहा है वही हमारी कैपिटल है, क्योंकि बिना कैपिटल के तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, और ये हमारा टोटल था 40,000। तो बच्चों ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्री, अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री। स्टूडेंट्स ये एंट्री सीए फाउंडेशन में आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। प्रोप्राइटर ने बैड डेट राइट ऑफ कर दिए थे लास्ट ईयर किसी पर्सन से, राम से हमें पैसे लेने थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया था, तो हमने वो राइट ऑफ कर दिए थे 1000 की, अब वो कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन हुआ क्या, इस साल वो घूमता हुआ हमें मिल गया हमारे घर के पास। बिजनेस हमारा ऑफिस जो है वो बहुत दूर है, बट वही पर्सन जिससे हमें पैसे लेने थे जो भाग गया था और हमने बैड डेट अकाउंट ओपन करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया था, आज वो हमें मिल गया घूमते हुए हमारे ही घर के पास। तो हमने उसका कॉलर पकड़ा, दो थप्पड़ मारे और 1000 रुपीज उससे ले लिए। ठीक है, अब हो सकता है ज्यादा लेने हो, बट 1000 तो अभी हमने निकाल लिए उससे। अब वो 1000 रुपीज जाके बिजनेसमैन अपनी वाइफ को बता रहा है बड़े खुश होके कि देखो मैंने पुराने बैड डेट्स कैसे कवर किए हैं। तो उसकी वाइफ ने बोला कि आप मुझे बहुत दिनों से टाल रहे हो, मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए ये 1000 मुझे दे दो। अब बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता, तो वो 1000 रुपीज उसकी वाइफ ने अपने घर पे रख लिए। अब बच्चों अगर आप इस एंट्री को बिजनेस की एंट्रीज में, जनरल एंट्रीज में शो करना चाहोगे तो एंट्री क्या होगी? रियल लाइफ में तो कोई भी पर्सन इस जर्नल एंट्री को अपने बिजनेस में शो नहीं करेगा, लेकिन अगर शो करना चाहे तो बच्चों ध्यान रखना, ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी आदमी इतना शरीफ हो कि इस एंट्री को शो करना चाहे, लेकिन अगर शो करना चाहेगा तो जर्नल एंट्री कैसे होगी? जो 1000 रुपीज मिले हैं उसने अपने घर में यूज कर लिए हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वो पैसे वो घर में यूज कर चुका है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो बच्चों है ना इंटरेस्टिंग एंट्री, तो ऐसी एंट्रीज हम करते जा रहे हैं, आप करते जाइए और इनको ढंग से प्रैक्टिस भी कीजिए। बच्चों ये एंट्री है कि हमें 8000 मिले हैं राम से, जिससे हमें लेने हैं 10,000। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि राम ने फुल सेटलमेंट में पैसे दिए हैं, ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है कि फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब ये है कि 2000 वो बाद में दे देगा, तो अभी फिलहाल वो 8000 दे रहा है। तो जो 8000 दे रहा है उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम 8000। जनरली बच्चे इसमें क्या करते हैं, डिस्काउंट लिख देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि फुल सेटलमेंट जैसी एंट्री है, बट ये फुल सेटलमेंट की एंट्री नहीं है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो बच्चों ये हमारी 44th एंट्री है, प्रोप्राइटर सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹20,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन फर्म्स करंट अकाउंट। मतलब ये कि बिजनेसमैन ने अपनी कार बेच के पैसा बिजनेस में लेके आया है और बिजनेस के करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया है। मैंने आपको पहले बोला है बच्चों कि बिजनेसमैन जब भी घर से पैसा लाए, चाहे वो चोरी करके लाए, अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच के लाए, अपना स्कूटर बेच के लाए, अपनी कार बेच के लाए, या घर का सोफा बेच के लाए, कैसे भी पैसा लाए या सेविंग अकाउंट से, बच्चों ध्यान रखना, अगर वो अपने सेविंग अकाउंट से भी एटीएम से पैसा निकाल के ला रहा है और बिजनेस के अकाउंट में डाल रहा है या बिजनेस में पैसा यूज कर रहा है, तो ये एडिशनल कैपिटल है। ठीक है बच्चों, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ऐसी ट्रांजेक्शंस आती हैं बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस में पैसा आएगा या तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। अब क्योंकि उसने करंट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए हैं इसलिए होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए एक और एंट्री करते हैं बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो कैश डिस्काउंट मिल रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वाले अमाउंट पे नहीं मिल रहा है, बल्कि 10,000 के ऊपर मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये खास बात थी इस क्वेश्चन की, बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट उस अमाउंट पे निकालते हैं जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो रखा हो। तो बच्चों पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10,000 के गुड्स हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो रह जाएगा 8,000, बट कैश डिस्काउंट तो मिलेगा
10,000 के ऊपर 3%, तो वो हो गया 300। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज गुड्स है 8,000 के, डिस्काउंट रिसीव 300 है, तो 7,700 हम उसे पे करेंगे। तो ये एंट्री बहुत खास है क्योंकि इस बार हमने 8,000 के ऊपर 3% डिस्काउंट नहीं निकाला, हमने निकाला है 10,000 के ऊपर। बच्चों ये एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफर एंट्री करनी है हमें। पूरे साल हम जब अपने वर्कर्स को अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं तो हम एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसी एंट्री हम करते जा रहे हैं हर महीने, 12 एंट्रीज टोटल हो चुकी हैं, टोटल उनका बनता है हमारा 10,000। मैंने अमाउंट बहुत छोटे लिए हैं, तो 10,000 टोटल बनता है हमारा पूरे 12 महीने का। अब हमें इसकी ट्रांसफर एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ईयर के एंड में वो सारे एक्सपेंसेस हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो इसकी हमें ट्रांसफर एंट्री करनी होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें सैलरी लिखना है, इसका मतलब डेबिट ऑल द लॉसेस वाला कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये अमाउंट आ जाएगा 10,000। अब दिमाग में आ रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। बच्चों आपके स्कूल में सिखाया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट आगे चल के बनाने होते हैं हमें, तो मैं भी आपको बता देता हूँ बेसिक बहुत छोटा सा, वरना ये 17 या 18 चैप्टर आएगा आपकी बुक में, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये हल्की सी झलक मैं देता हूँ आपको कि हमें लास्ट में ईयर एंड जब क्लोज होता है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने होते हैं, उसमें हम अपने पूरे साल के एक्सपेंसेस शो करते हैं, जो एंट्रीज हम उनमें पास करते हैं पीएनएल अकाउंट में हम उनको ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। तो पूरे साल की जो सैलरी हमने पे की है अपने वर्कर्स को वो 10,000 पे की है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिख रहे हैं 10,000, क्योंकि डेबिट ऑल द लॉसेस नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंट्री, ये एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों 5 लाख की एक कार खरीदी है बिजनेस पर्पस के लिए, और उस कार को खरीदने के लिए 2 लाख हमने बिजनेस के करंट अकाउंट से पे करे हैं और 1 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट से भी दिए हैं, क्योंकि हमें टोटल 3 लाख पे करने होंगे उस कार के लिए, रिमेनिंग 2 लाख का हमने कार का लोन ले लिया है। तो 2 लाख का लोन है, 2 लाख अपने बिजनेस के करंट अकाउंट से पे करे हैं और 1 लाख हमने अपने सेविंग अकाउंट से पे करे हैं। अब याद करो मैंने बोला था कि बिजनेस के किसी भी काम के लिए अगर आप अपने घर के पैसे या सेविंग अकाउंट के पैसे यूज करते हो तो वो एक तरीके से एडिशनल कैपिटल है। तो बच्चों एंट्री होगी कार कम्स इन, बिजनेस में कार आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कार अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, करंट अकाउंट का पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट 2 लाख, एडिशनल कैपिटल भी आ गई बिजनेस में, जितना आप सेविंग अकाउंट से लाए हो वो एडिशनल कैपिटल है, और जो लोन क्रिएट हुआ है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, जैसे कैपिटल इंक्रीज हुई तो हमने क्रेडिट किया, ऐसी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। 2 लाख की हमारी लायबिलिटी जनरेट हो गई है। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री 48 की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बच्चों 49th एंट्री है, हमने एक बिजनेस के लिए लैंड परचेज किया 2 लाख का, उसके लिए हमने जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उसे ब्रोकरेज पे किए 2,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ 1%, तो मैंने 1% निकाला 2,000 आया, और 15,000 रजिस्ट्री में लग गए हैं। रजिस्ट्री ऑफिस आपको पता होगा जब लैंड परचेज करते हैं फ्लैट परचेज करते हैं तो हमें रजिस्ट्री करानी होती है, तो वो 15,000 गवर्नमेंट ऑफिस में गए हैं। बेसिकली ये लैंड हमें पड़ गया 2,17,000 का, तो हम बिजनेस में इसे 2,17,000 ही लिखेंगे। जैसे हम मशीन की कॉस्ट में सारे रेलेवेंट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, वैसे ही हम प्रॉपर्टी जमीन में भी फ्लैट में भी हम ऐसा ही करते हैं, जितने भी रेलेवेंट एक्सपेंसेस होते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज हम उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया लैंड अकाउंट डेबिटेड 2,17,000, टू चेक से पे कराए तो बैंक लिखेंगे, कैश पे कराए तो कैश लिखेंगे,
तो आजकल ज्यादातर ट्रांजेक्शन चेक से होती है, इसलिए मैंने बैंक लिखा है। तो ये ध्यान रखना है, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी ड्यूरेबल एसेट जितने भी रेलेवेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। मशीन वगैरह के केस में याद रखना बच्चों, चाहे वो नई मशीन है या पुरानी है, एट द टाइम ऑफ परचेज अगर आपने रिपेयर कराया है, वाइट वॉश कराया है घर में, या पुरानी मशीन खरीदी है उसको पेंट कराया है, या कोई कार खरीदी है उसको पेंट कराया है, वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। बच्चों मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है हॉट्स 50 जनरल एंट्रीज, तो ये हमारी लास्ट एंट्री है बच्चों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल एंट्रीज और नहीं होती हैं, और भी जनरल एंट्रीज हैं जो परेशान कर सकती हैं। जनरल एंट्रीज महासागर है, लाखों ट्रांजेक्शन्स हैं बिजनेस में जो होती हैं और उनकी जनरल एंट्रीज होती हैं, तो बहुत सारी नई नई एंट्रीज भी हो सकती हैं। 50 जनरल एंट्रीज मैंने वो ली हैं जो यूजुअली टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल या और जो दूसरी बुक्स हैं उनमें परेशान करती हैं बच्चों को, वो जनरल एंट्रीज मैंने ली हैं। लेकिन आपको कोई नई जनरल एंट्री नजर आती है तो आप जरूर कमेंट में लिखें, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही 10 एंट्रीज इकट्ठी हो जाती हैं मैं 10 एंट्रीज का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो एंट्रीज इन 50 एंट्रीज से हटके होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप इसको रिवाइज करें, तो बच्चों इसको रिवाइज करें ढंग से, उसके बाद अगर आपको कोई नई जनरल एंट्री नजर आती है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करके एक नया वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कम से कम 10 जनरल एंट्रीज होनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं 5000 एम्बेजल्ड बाय एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई ने 5000 का घपला कर दिया कैश का, तो इसको हम लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हैं, एम्बेजलमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, लॉस बाय थेफ्ट लिखना ज्यादा ठीक रहेगा। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हो गई हमारी 50 जनरल।